बहुत उसका साउंड बहुत ही अच्छा है। ये छोटी गाड़ियों के लिए बेस ट्यूब बहुत है, मोर देन इनफ है। तो मैं अब प्ले करता हूँ NCS का इलेक्ट्रोमेनिया लिमिटलेस और इसके साउंड सुनते हैं अपन। आप प्लीज़ ना ईयरफोन लगा के सुनना तो क्वालिटी आपको पता लग जाएगी कि कैसी है। इसकी वॉल्यूम मैं करता हूँ फुल, ठीक है, इसको रखते साइड में। और अब ये अभी 10 पे कर, 10 पे सुनाता हूँ आपको। और ये मैंने एक क्लिप लगा रखी है जिसको डिस्कनेक्ट करते ही बेस ट्यूब अपने अलग हो जाएगी। ये आगे से वायर आया और इससे इधर पीछे। तो गाइस जैसे कि आपने सुना बहुत उसका साउंड बहुत ही अच्छा है। ये छोटी गाड़ियों के लिए बेस ट्यूब बहुत है, मोर देन इनफ है। मैं ज़्यादा इसको तेज बजाता नहीं हूँ, 8-10 वॉल्यूम ही रखता हूँ और बेस भी इसका 0 ही रखता हूँ, ट्रेबल भी 0 ही है। मैं एक बार वो भी सेटिंग दिखा देता हूँ आपको। बाकी इसका साउंड बहुत अच्छा है और अगर आपको जैसे बूट ओपन करके जैसे कभी गाने बजाने लाउड और ये वो, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल रिव्यू मेरा कि हाँ ठीक है, ये लगवा सकते हैं गाड़ी में। बाकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये स्पेस बहुत ही ज़्यादा घेरती है पूरी, मतलब बूट स्पेस पूरा ख़त्म हो जाता है। और अगर कभी ज़्यादा तेज आप बजाते हो ना तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेट करती है, क्योंकि छोटी हैचबैक है तो पूरी गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाती है। मैं इसकी सेटिंग्स दिखाता हूँ आपको। मैंने अभी म्यूज़िक ऑफ कर रखा है, इसकी सेटिंग में दिखा रहा हूँ। देखो वॉल्यूम 8 पे चला रहा हूँ मैं, बेस 0, ट्रेबल 0 और इसको क्लासिक पे कर रखा है। इसको ऑफ भी कर दो तो भी मतलब इसको रॉक पे और ज़्यादा, और ये जो है फ्रंट और रियर का इक्वल है और लेफ्ट राइट का बैलेंस भी इक्वल है, वॉल्यूम 8। तो ये मोर देन इनफ होता है अंदर आप बैठ के अगर गाड़ी में गाना सुन रहे हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, जाके आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ही मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। सो गाइज बाय बाय, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਲੌਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਗਲੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਪਾ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੀ ਤੂੰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਏ ਸੀ ਬਲੇਮ ਪਰ ਰੋਇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੱਟਦੀ